लोकसभा चुनाव में जनता को रिझाने के लिए राजनीतिक दल बड़े बड़े वादों के साथ अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा सहित कई वादे किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान अन्य दल के गठबंधन के संकेत देते हुए केजरीवाल ने कहा कि चुनाव बाद भाजपा के अलावा वे किसी भी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज नेता और भाजपा छोड़कर वापस कांग्रेस में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। सिख नेताओं में अरविंदर सिंह को बड़ा चेहरा माना जाता है और उन्होंने 1984 के सिख दंगों में भी मरहम लगाने का काम किया है। अरविंदर सिंह लवली से खास बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीत किरण सिंह ने। पूर्वी दिल्ली से मेरे साथ अरविंदर सिंह लवली है, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सर, गौतम गंभीर को कितनी चुनौती दे पाएंगे आप? गौतम गंभीर को लेकर मानते हैं क्या उनके लिए चुनौती रह पाएगी? आप सीरियस हैं? आपको लगता है कि गौतम गंभीर चुनौती हैं? हमारे यहाँ चेतन चौहान भी आए थे भाई, अगले का मन करा है, अब दिल करा है कि मैं इलेक्शन लड़ लूँ, तो इसलिए वो अपना दिल बहलाने के लिए आए हैं। हम 35 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पहली मर्तबा है कि जमुना पार में जमुना पार का आदमी चुनाव लड़ रहा है। तो हमको तो कोई इस लायक ही नहीं समझता था जमुना पार वालों को कि हम अपना प्रतिनिधित्व खुद कर सकें। ये तो राहुल गांधी जी ने नया रास्ता खोला है, तो ये लोग हमारे यहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए हैं, अपना दिल बहलाएंगे। पहली बात तो जीतते नहीं, जीत गए तो तब भी नहीं आएंगे, हार गए तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और चेतन चौहान चुनाव लड़े थे, आज तक नहीं आए। आम आदमी पार्टी से पिछली बारी राजमोहन गांधी चुनाव लड़े थे, आज तक नहीं आए। मैं जमुना पार में पैदा हुआ हूँ, जमुना पार में ही मरूंगा। लोगों के साथ रहना है, लोगों के साथ जीना। आम आदमी पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया, पूर्ण राज्य की बात एक बार फिर से उठाइए मैनिफेस्टो में। आम आदमी, इनको खुद नहीं मालूम कि पूर्ण राज्य होता क्या है। पूर्ण राज्य का मतलब आप ये कहना चाहते हो कि दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहते हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री उनसे ऊपर हो जाएगा। इनको जो हमने अपने मैनिफेस्टो में मांगा था, पूर्ण राज्य नहीं, पूर्ण अधिकार वाली सरकार मांगनी चाहिए, ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल में चेंज मांगना चाहिए। तो इनको जब गवर्नेंस की समझ ही नहीं, इनको खुद नहीं मालूम है ये क्या मांग रहे हैं। इनकी हालत ये हो गई है कि इनसे पूछो सड़क क्यों नहीं बनी तो ये कहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा। इनसे पूछो कि बस क्यों नहीं आ रही, कह रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा। इनसे पूछ लो वाईफाई क्यों नहीं मिला, कह रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा। अब हालत ये हो गई है, ये नहीं इनके परिवार के लोग भी, अगर इनके घर खाना अच्छा ना बने और अरविंद केजरीवाल डाउट कर दे तो इनकी वाइफ भी कहती है कि पूर्ण राज्य मिलेगा तभी खाना अच्छा बने। अंतिम सवाल मेरा, दिल्ली में आप क्या मानते हैं, मुद्दे क्या रहेंगे दिल्ली के और कितनी सीटें कांग्रेस लेके आएगी? 7 सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। सातों सीटों पर कांग्रेस जीतेगी, ये जो है पूरा का पूरा विश्वास अरविंद सिंह लवली जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उत्तर पूर्वी दिल्ली से, गौतम गंभीर उनके मुकाबले में है और एक तरफ जो है आतिशी मार्लिना है। तो अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या ये सीट निकाल पाती है क्या। मैं पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV।